हेलो अनस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रही हैं, मेरे पास है आज धनिया बहुत फ्रेश सा, और उसके अलावा आई हैव वन मोर तो मज़े की खुशबू आ रही है, और ये है मिंट। एंड ये मिंट, धनिया और ग्रीन चिलीज को मिक्स करके बनाएंगे अपने एक क्यूब्स, ताकि हम इसको लेटर फॉर बैटर यूज कर सकें। और इनफैक्ट अभी आपको मैं दिखाती हूँ ये अंदर से गंदा कितना है। ओफ, ये मेरा सारा इससे गंदा हो गया। सो सबसे पहले ना इनको वी हैव टू वॉश, इनको वॉश करके मैं आपको बताती हूँ। इनको वॉश करने से पहले ना इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है कि ये वाली जो साइड्स है ना, जो हमें नहीं चाहिए, वो पहले ही बाहर निकाल देनी है, ताकि हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि हम इन साइड्स को एक तो स्टोर भी नहीं कर सकते, और आई वॉन्ट टू स्टोर इट फॉर लाइक 1 month, तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और इस वाले पार्ट को मैं वॉश करूंगी। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ये वाले पार्ट्स रह गए हैं तो उनको निकाल लें, क्योंकि ये बहुत कड़वे होते हैं और ये ना फिर टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते। सो ये ऑलमोस्ट हमने ये काट ली है, सो नाउ वी विल पुट इट इन साइड, और इसके बाद वी हैव टू वॉश इट। लेकिन ये जो डंडिया, ये जो डंडिया निकाली है ना, ये वाली, ये फेंकनी नहीं है, क्योंकि इससे मैं आपको ना एक अच्छी सी एक और चीज़ बनाना सिखाऊंगी। सो दिस इज द लेफ्ट ओवर पार्ट। वॉश करने के बाद हमने इसको ना फुल ड्राई करना है, कोशिश करनी है कि वो फुली ड्राई हो, फुली निचोड़ निचोड़ के ना एक इसको अलग पैन में रख लेना है, अलग बॉक्स में। उसी बॉक्स में नहीं रखना, क्योंकि जितना भी हम वॉश कर लें ना, तो थोड़े से ये ज़र्रे से रह जाते हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसको एक अलग बॉक्स में रखें, जैसे कि मैंने इस वाले बॉक्स में रख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नेक्स्ट में वी हैव टू टेक आवर धनिया। मुझे लगता है धनिया इतना डर्टी नहीं होगा, लेट्स सी। इसको भी ओपन करते हैं, और ये देखें, ओपन करने के साथ साथ ये देखें कितनी मिट्टी निकली है। ओह, हाउ डर्टी इट इज़। पहले क्लीन करेंगे, आफ्टर दैट वी विल वॉश इट। इसमें भी वही तरीका करेंगे कि इसके जो बैक साइड्स वाली होंगे ना, हम उसको सारा काट के ना अलग कर लेंगे, बिकॉज ये साइड्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन इस वाले को भी हम थ्रो नहीं करेंगे, हम इसको अलग बैग में रख लेंगे फॉर फर्दर यूज़। ये प्लेट देख सकते हैं, ये धनिया जो रॉ मिला है ये कितना डर्टी है, सो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारा पुदीना भी रेडी है, हमारा धनिया भी रेडी है, और इसके साथ साथ हमें चाहिए ग्रीन चिलीज़। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी भी ज़्यादा आपको स्पाइसी चाहिए। लेकिन इसके अंदर हम एंड भी एक और इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे, इसके लिए वेट करें। अब हम अपना पुदीना और साथ में हम अपना डालेंगे धनिया, एक जूसर में डाल लें, या आपके पास कोई चॉपर है उसमें कर लें, या जूसर की मिक्सी आती है उसके अंदर भी बहुत इजीली हो सकता है, और इसके साथ ही ग्रीन चिलीज। थोड़ा सा नमक, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो बहुत थोड़ा डालें, और अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ज़रा नमक वाला, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। लेकिन नमक के अलावा वी नीड वन मोर थिंग, एंड दिस इज द लेमन। हम इसमें अगर लेमन स्क्वीज करेंगे तो एक तो उसको थोड़े पानी की भी ज़रूरत होती है, और लेमन से ये थोड़ी ज़्यादा देर भी रहेगा, और जो चटनी है ना वो बहुत मज़े की बनेगी। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड, लेकिन ग्राइंडर में हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा, बहुत लिटल। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी मज़े की चटनी बनी है, और इसका कितना अच्छा टेक्सचर है। आप इसको खाने के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप इसको दही में मिक्स करें तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। लेकिन अब हम आते हैं इसके स्टोरेज की तरफ। आइस क्यूब ट्रे लेंगे, और इसके अंदर हम अपनी ये चटनी सारी भर के रख देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें अगर थोड़ी अमाउंट में भी चाहिए हो, तो हम अपना एक ये क्यूब निकाल लेंगे और उसको दही के अंदर मिक्स कर लेंगे, या अपना कोई भी अगर हम सालन बना रहे हैं उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्राइंग में भी हम ईज़िली इसको मिक्स कर सकते हैं, और इसको ऊपर से फुली कवर कर देंगे ताकि कहीं से भी पानी ना आए और ये ज़्यादा देर के लिए रह जाए। हमारी रेडी है, और हम इनको
फ्रीजर में मोर देन 2 मंथ्स के लिए बहुत इजीली फ्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी कोई चटनी बनानी हो, जैसे एक क्यूब लिया उसके दही के अंदर मिक्स किया, दैट्स इट। और इसके अलावा ये उसके लिए बहुत अच्छी है जब हम कोई चिकन पकौड़ा बनाते हैं या इस तरह की कोई फ्राइंग रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर मिक्स किया और यूज़ कर लिया, एंड इट्स वेरी इजी। और इस तरह आपके धनिया और वो पुदीना भी नहीं ख़राब होगा और स्पाइस भी ज़िंदगी में रहेगा। और पुदीना धनिया जो होता है दे आर वेरी गुड फॉर स्टमक, सो यू मस्ट इंक्लूड दिस इन योर डाइट। इंशाल्लाह आपको दोबारा मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, बाय बाय।